हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का मौसम आते ही जब भी आप कोई भी काम करने के लिए घर के बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें लू लगने का डर बना रहता है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जो कि एकदम से सिंपल रेसिपी है और बनाना एकदम से आसान है, वो भी बिना किसी झंझट के, क्योंकि हम इस रेसिपी को बिना चीनी के बनाएंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाती है और साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। ये ड्रिंक शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाना। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की कच्ची कैरी। इन दिनों क्योंकि इनका सीजन है तो ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी क्वालिटी के कच्चे आम को ले सकते हैं। तो बस पहले आपको इन्हें अच्छे से साफ पानी में धो लेना है। इसके बाद इसके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा काट कर हटा लेना है और इसके बाद इनके छिलके को उतार लेंगे। यहाँ मैंने इनके छिलके को पहले ही उतार लिया है और आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही कुकर में 2 सीटी आने तक बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करने से इनका छिलका सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद भी इसके छिलके को आप उतार सकते हैं। इस तरह की कच्ची कैरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक में। आपको जिस भी क्वालिटी के आम पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमने आम को छील लिया और अब हम बाकी के आम को भी इसी तरीके से छीलकर तैयार कर लेंगे। कैरी को छीलने के बाद इनको लंबे स्लाइसेस में या फिर रफली सा चॉप कर लेंगे। कैरी के सेंटर में बीज वाले पार्ट को निकाल देंगे और बाकी के हिस्से को हम लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम बाकी की कैरी को भी इसी तरीके से पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। गर्मियों के मौसम में इस तरह के ड्रिंक को बस आपको एक ही बार बना कर रख लेना है और जब भी आप बाहर से आएँ आपको एक गिलास लेना है, इसमें इस सीरम को डाल लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद इसे पी लेना है। ये आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा और साथ ही आपको गर्मी में लू लगने से भी बहुत ज़्यादा बचाएगा। तो देखिए, सारी कच्ची कैरी को हमने काट कर तैयार कर लिया। अब आगे की प्रोसेसिंग को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। कैरी को काटने के बाद इन्हें एक पैन में डाल देंगे और इसमें हम 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा ही इसमें पानी ऐड करेंगे। इन्हें ढककर 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे, जिससे कि ये कैरी अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ हमने गैस को ऑन कर दिया। अब हम इसे मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, कैरी पहले से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छे से ये पक भी चुकी है। कैरी को हमने क्योंकि काट कर लिया था, इसकी वजह से जल्दी से पक चुकी है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस ड्रिंक को हम क्योंकि बिना चीनी के बनाने वाले हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये धागे वाली मिश्री, जो कि आपको बड़े ही ईजिली से किसी भी पंसारी या फिर परचून की शॉप में मिल जाएगी। इसमें इस तरीके से धागे से दिखाई देते हैं। ये चीनी से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे और इसके बाद मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको थकान या कमजोरी सी महसूस होती है तब आप चीनी की जगह पर इसे किसी भी ड्रिंक में इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करें, ये आपको काफ़ी एनर्जी देगा। तो यहाँ पर कच्ची कैरी भी अच्छे से पक कर ठंडी हो चुकी है और ये पूरी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। और इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के ग्राइंडर जार में। इसमें अब हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है फ्रेश धुले हुए पुदीने के पत्ते, जो कि पूरी तरह से रिफ्रेशिंग का काम करते हैं और इसके बिना ये ड्रिंक अधूरा माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग का काम भी करता है। एक हरी मिर्ची ली है, जो कि इसे चटपटा सा फ्लेवर और टेस्ट देगी। साथ में लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें पिसी हुई मिश्री का पाउडर भी ऐड कर देंगे, जो कि लिया है मैंने 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लिया है मैंने 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच लेंगे सफ़ेद नमक, इसकी जगह पर आप सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच के जितना लेंगे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को तवे पे रोस्ट करके इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में लेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करें। और साथ में ऐड करेंगे 1/3 कप के जितना पानी,
आप मिक्सी को कवर करके सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ऐसा करने से सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगी। और लीजिए, मिक्सी में पीसने के बाद कैरी का एकदम स्मूथ और गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार भी हो गया है। और हमें अब इस मिक्सचर को और पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इस सिरप को किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी दिल करे इसे यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है आपको, 2 चम्मच इस सिरप को गिलास में ऐड करें, थोड़े से आइस क्यूब ऐड करें और पानी डालें। स्पून से मिक्स करते हुए इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हो जाता है। और इसे सर्व करने से पहले गिलास पर मैंने थोड़े से नींबू को रब कर लिया है और इसके बाद इस पर हमने नमक और मिर्ची के मिक्सचर को इस तरह से प्लेट में रख कर थोड़ा सा घुमाते हुए इसे डेकोरेट कर लिया है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे बिना गार्निश किए ऐसे ही प्लेन गिलास में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे सर्व करने से पहले गिलास में डाले कुछ पुदीने के पत्ते, साथ में डाले आइस क्यूब्स और इसके बाद इसमें ऐड करके 2 चम्मच तैयार किए हुए सिरप को, छोटे चम्मच हैं तो 2 चम्मच ऐड करें और बड़ा चम्मच है तब आप इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। इसके बाद इसमें हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे। पानी को ऐड करने के बाद इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पुदीने की पत्ती ऐड कर देंगे, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए, बढ़िया से मिक्स करने के बाद हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है। ये ड्रिंक गर्मी में आपको पूरी तरह से लू लगने से बचाएगा और पेट में ठंडक पहुंचाने में भी काफ़ी मदद करेगा। और अब इसके ऊपर से लेमन के स्लाइसेस को सेंटर में से कट लगाकर गिलास पर लगा देंगे, जिससे कि एकदम से रेस्टोरेंट जैसा लुक में दिखेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग भरी ड्रिंक हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस ड्रिंक को आप भी पिए और अपने बच्चों को भी पिलाएं, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये ड्रिंक आपको गर्मी में लू लगने से बचाएगा और आपको एनर्जी भी देगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें इस ठंडी ठंडी एनर्जी भरी ड्रिंक को और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ।